नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। काली गाड़ी और सामने की सीट पर बैठे दो लोग, साथ ही गाड़ी चलाने वाले में पैसों की गर्मी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के रायबरेली का है, जहाँ टोल प्लाजा पर रोके जाने से गाड़ी में बैठा शख्स नाराज हो गया और नोट निकाल कर उड़ाने लगा। ये वीडियो तो यही खत्म हो जाता है, लेकिन असल में बात यही से शुरू होती है। ये अच्छी बात है कि इनके पास पैसा है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन ये ठीक नहीं है कि ये टोल कर्मचारी के सामने नोट उछाल रहे हैं। और इससे ज्यादा गलत बात तो ये है कि जनाब एक बार टोल बूथ का बैरियर तोड़कर निकल गए थे, लेकिन फिर लौट कर आए दोबारा अपना रौब दिखाने के लिए। इनका रुआब देख कर ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया में ये अकेले हैं। जिसके पास पैसा है वो तो गनीमत रही कि महाशय के पास इतना ही पैसा है कि ये गाड़ी से चल सकते हैं। सोचिए कि अगर इनके पास इतना पैसा होता कि ये प्राइवेट जेट खरीद सकते तो ये तो आसमान फाड़ कर निकल जाते। वैसे ये भूल गए होंगे कि ये यूपी में है, जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जहाँ की पुलिस ने बड़े बड़े बदमाशों की गर्मी को ठंडा कर दिया है। टोल कर्मी ने इनका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये वीडियो रायबरेली के लालगंज पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच गया और पुलिस ने जांच करने की बात कही। जाहिर सी बात है कि टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे से गाड़ी का नंबर पता चल जाएगा, जिसके साथ ही गाड़ी चलाने वाले का भी पता चलेगा और फिर होगी यूपी पुलिस की कार्रवाई शुरू। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की आप लगातार देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।